हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। आज अपन बच्चों हिंदी ग्रामर में चैप्टर फोर पढ़ेंगे। चैप्टर फोर, एक अनेक वचन, एक से अनेक, है ना, वचन। पेज नंबर 26 में चैप्टर फोर हिंदी ग्रामर की बुक है अपनी। सब वचन निकाल ली। चित्र देखो, नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो, समझो और बोलो। चित्र को देखना है और शब्द जो लिखे हुए इनको पढ़ना है, समझना है। एक लड़का, क्या ये एक लड़का? ये कितने लड़के हैं? दो लड़के। तो एक है तो क्या हुआ, एक लड़का, और एक से ज्यादा हो, दो तीन चार जो भी हो, एक से ज्यादा हो तो उसको कितने हो जाते हैं, अनेक। ये लड़का है तो दो से ज्यादा हो मतलब क्या बोले, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, तो उसको बोलेंगे लड़के। ये दो लड़के हैं, ठीक है। एक वचन बहुवचन कहते हैं इसको, ठीक है। एक से अनेक बनाना। जे एक पंखा, ये पंखा तो क्या हो गए, पंखे। तो एक दो तीन पंखे कितने हो गए, तीन पंखे। ये क्या है, गमला। तो ये क्या हो गया, एक तो क्या हो गया, गमला। और जो बहुत सारे होंगे उसको क्या करेंगे, गमले, है ना। जे घोड़ा, तो एक घोड़ा, ठीक क्या हो गए, दो घोड़े, ये घोड़े हो गए दो, है ना, एक से अधिक। तो जो एक संख्या होती है उससे जैसे घोड़ा, गमला, और एक से ज़्यादा होता है तो क्या होंगे, दो हो, तीन हो, चार हो, गमले, घोड़े, इसको ऐसे बोलते हैं। एक जूता, तो क्या है, जूते। जूते क्या है, ये दो है, इसलिए क्या हो गए, जूते। पेज को टर्न करेंगे, पेज नंबर 27 पे पढ़ेंगे अपन। अभी दिया हुआ, नीचे बने एक चित्र पर सही का निशान लगाओ। एक से ज़्यादा बने चित्र पर गलत का निशान लगाओ। नीचे बने एक चित्र है उस पर तो सही का निशान लगाना, जो एक से ज़्यादा उस पर गलत लगाना। ये क्या है, पत्ती। तो इस पर एक ही है, एक इस पर सही का लगाओ। ये क्या होगी, बहुत सारी है, एक दो तीन चार पाँच, एक से ज़्यादा तो क्या लगे होगी, पत्तियाँ, इस पर गलत का निशान लगाओ। ये क्या है, चाबी, इस पर गलत का लगेगा, एक से ज़्यादा है ना, ये रॉन्ग का निशान। ये क्या है, ताला, ये चाबियाँ हैं। ये क्या, एक से ज़्यादा क्या होगी, चाबियाँ। एक होती तो क्या होती, चाबी, और एक से ज़्यादा तो क्या है, चाबियाँ। तो इस पर सही का लगेगा, ठीक है। सब बच्चों को ये बुक में करना है, पेज नंबर 27 पे। एक से ज़्यादा होती है तो एक चीज़ पे वो सिंगल ही रहता है, और डबल होता तो क्या हो जाता है, वो लग जाता है, इंग्लिश में होता तो ऐसा लग जाता है, हिंदी में तो क्या होगा, तो क्या हो जाता है, चाबियाँ। चाबी एक होती है, चाबी बहुत सारी होती है, चाबियाँ। एक पत्ती तो पत्ती, बहुत सारी तो पत्तियाँ। ये एक है तो क्या है, ये चांद। तारे बहुत सारे तो क्या होंगे, तारे, तारे बहुत सारे होते हैं। ये तितलियाँ हैं, इस पर सही का निशान लगाएंगे तितलियाँ पे। ये एक ही तितली है, इस पर सॉरी, इस पर रोंग का लगाएंगे, बहुत सारी है ना ये, इस पर रोंग का लगाएंगे गलत का। तितलियाँ, ये एक तितली है, इस पर सही का लगाएंगे, एक है उस पर सही का लगाना है, जो ज़्यादा है उस पर रोंग का लगाना है। ये एक फूल है, इस पर सही लगाएंगे, बहुत सारे फूल हैं, अनेक है ये। ये क्या है, एक जूता है, इस पर सही का लगेगा, ये अनेक जूते हैं, दो जूते हैं, इस पर रोंग का लगेगा, ठीक है। अब पेज टर्न करेंगे, लगा लिया आपने सबने बच्चों ने। एक से अनेक बनाना है इसको, जूता, जूते, तितली, तितलियाँ, ऐसे पेज टर्न करो। अभी देखो, चित्र देखो और कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो, फिर वाक्यों को पढ़ो और बोलो। चित्र को देखना है और शब्द की सहायता से वाक्य को पूरा करना है, और फिर वाक्य को पढ़ना बोलना। ये देखो, एक पतंग उड़ा रहा है, तो कौन, लड़का, लड़के दे दिए, दो दिए हुए, तो उड़ा रहा पतंग, ये कौन उड़ा रहा पतंग, लड़का, तो यहाँ पे लड़का लिखेंगे, ये लड़का, लड़का, तो क्या हो गया, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। अब दो गेंद से खेल रहे हैं, दो कौन गेंद से खेल रहे हैं, लड़के, तो दो लड़के गेंद से खेल रहे हैं, यहाँ लड़के लिखो, ये लड़के लिखा हुआ ना, यहाँ पे आप लड़के लिखेंगे, दो लड़के। अब वापस पढ़ो इसको, एक पतंग उड़ रहा था लड़का, तो एक
लड़का पतंग उड़ा रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, ये दो लड़के हैं, तो दो लड़के गेंद से खेल रहे, गेंद से कितने लड़के खेल रहे हैं, दो लड़के, पतंग एक उड़ा रहा है। अब ऐसे देखो, दो लाल रंग के हैं, दो लाल रंग के क्या है, तो जूते, दो तो क्या है जूते, यानी देखो जूते, इसमें देख के आपको लिखना है, 15-15 आइटम बुक में करोगे आप। दो जूते लाल रंग के हैं, ये दो जूते लाल रंग के हैं, अब एक काला रंग का कितना है, एक, तो क्या आएगा जूता, एक जूता, एक एक जूता काले रंग का है, ठीक है। अब ये एक बड़ा, एक बड़ा कौन है, चूहा, तो लिखो एक चूहा एक चूहा बड़ा है, और दो चूहे, दो हो गए तो क्या हो गए, एक से ज़्यादा अनेक, अनेक होते क्या होगा, चूहे, दो चूहे छोटे हैं, एक चूहा बड़ा है, एक चूहा बड़ा है और दो चूहे छोटे हैं, ये दो चूहे छोटे हैं। अब एक गमला लिखेंगे, बड़ा है, और दो गमले छोटे हैं, ये दो गमले, एक गमला बड़ा है, दो गमले छोटे हैं, दो गमले ना ये छोटे हैं। अभी देखो चित्र देखो और दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। ये दिया हुआ है चित्र, टोकरी में कौन से फल है, देखो केले आम संतरे अनार दिए हैं, टोकरी में एक है, एक क्या है टोकरी में, आम है, तो टोकरी में एक आम है, एक आम दिख रहा है, टोकरी में दो केले हैं, ये दो केले दिख रहे हैं टोकरी में, एक अनार भी टोकरी में है, ये एक अनार दिख रही है, ये एक अनार भी टोकरी में है, चले कि एक भी टोकरी में, एक क्या टोकरी में, अनार भी, टोकरी में दो भी है, दो क्या है संतरे, तो लिखेंगे टोकरी में दो संतरे, संतरे लिखा हो ना भी है, ये आपको बुक में फिल करना है, ठीक है, और फिर आपको लर्न करना है, ठीक बच्चों, ओके बाय, थैंक यू बच्चों।